इंदौर के भावरकुआ थाना क्षेत्र की शिवमपुरी कॉलोनी में एक फ्लैट में संदिग्ध परिस्थितियों में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्र का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही जांच में जुट गई है। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां पीएससी की तैयारी करने आए छात्र ने तबियत खराब हो जाने के बाद पेट दर्द की गोली ली थी। उसके बाद अपने दोस्त को सूचना दी थी कि उसे घबराहट हो रही है। उसके बाद दोस्त उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान शुभम पिता चंद्रभान मूल निवासी ईसागढ़ अशोकनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मिली कि बालक को उल्टी हुई, उल्टी जैसी हुई पहली उसको, उसने अपने मित्र को फोन लगाया और मित्र उसका जैसे ही लेके आया, उसने कहा भाई क्या हुआ? बोले मैं यार घबराहट हो रही है, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। ऐसा उसे कष्ट महसूस हुआ, पीठ दर्द। बोले कि वहाँ सुभाष गई के पास पहुँचे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम इसमें मेडी स्क्वायर में एडमिट करवाओ। एडमिट हुआ, इलाज शुरू हुआ और एक बार वो उसमें भी आया 2 से 5 मिनट के लिए। डॉक्टर ने पूछा तुमने क्या खाया, तो उसने कहा मैंने टेबलेट खाई, पेट दर्द की टेबलेट खाई थी। मेडिकल बेहोश हो गया, उसके बाद फिर उसमें आ गया। अच्छा, काय की पढ़ाई कर रहा था ये? पीएससी की तैयारी।